सरोकार। प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनसभाएं कर रहे हैं और इसी कड़ी में लखनऊ की मोहनलालगंज विधानसभा 176 में बीजेपी प्रत्याशी अमरेश कुमार रावत जनसभा कर रहे हैं, जिनका संबोधन आज केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा होना है। और आपको सीधे लेके चलते हैं मोहनलालगंज। कमल के फूल का निशान लेके आए हैं, आप सबका आशीर्वाद और सहयोग मिले कर मोहनलालगंज विधानसभा में, जो आजादी से लेकर के आज तक इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से विधायक नहीं रहे। आप सबके अपना दल निषाद पार्टी के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस क्षेत्र में आप सब लोग बनाएंगे। हम आपके बीच में हमेशा आपके बेटे और भाई के रूप में रहेंगे। विधायक की कोई हैसियत ऐसी नहीं दिखेगी आपके बीच में जो आपको लगे कि अपना कोई भाई या अपना बेटा नहीं है। और सदैव आपका मान सम्मान बनाए रखने का काम करेंगे और हर संभव इस विधानसभा की जो भी दिक्कतें अब तक रही हैं आप विधायक बनाने का काम करेंगे। हम उन चीजों को सदन में पहुंचाने का काम करेंगे और विकास कार्य की लहर बयार बहेगी, नदी बहेगी विकास की, ये क्लियर मान लीजिए। जो हमारे सरकार बनेगी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, उसमें तमाम योजनाओं का जो लाभ हमारे गरीब भाइयों को मिलती है वो मिलती रहे। उन योजनाओं में बहुत ही परिवर्तन इस बार सरकार बनेगी। तो जैसे कन्या विवाह के लिए अभी तक 51,000 रुपये मिलते थे, सरकार बनने पर हमारी सरकार 1,00,000 रुपये देने का काम करेगी। किसान सम्मान निधि जो अभी तक साल में 3 बार 2,000 मिलती थी, सरकार बनने के बाद वो 4,000 रुपये 3 बार मिलेगी, जस्ट 9 साल में 12,000 रुपये मिलेगी। और जो इस प्रदेश में दहशत और गुंडेगर्दी थी वो इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वो गुंडेगर्दी खत्म हुई है। और पुनः सरकार बनने पर जो छुटपुट बचे हुए से दहशतगर्द लोग हैं या फिर प्रदेश में आप सबके जैसे प्रेम भाव से रहेंगे या प्रदेश छोड़ के बाहर चले जाएंगे, गुंडाई इस प्रदेश उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगी। और हमारे जो महापुरुष रहे जैसे कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी और राम मनोहर लोहिया जी के सपनों को अगर साकार करने का कोई काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार और मुख्यमंत्री जी ने किया है। वो इस उनके सपने की अंतिम पैदान पे खड़े व्यक्ति पर जो सबसे गरीबी श्रेणी में नीचे है उसको अपने बराबर लाने का सपना हमारे महापुरुषों का था। वो हमारी सरकार ने आवास देकर के और राशन फ्री राशन देकर के और फ्री में माताओं बहनों की चिंता करते हुए फ्री गैस सिलेंडर देकर के और श्रम कार्ड के आग में जो हमारे श्रमिक मजदूर भाई उनको भत्ता देने का काम करके हमारे महापुरुषों के सपनों को साकार करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप सब लोग मिलकर के लग करके और प्रचंड बहुमत से जी दर्ज करेंगे, सरकार बनेगी। उसमें जो सुविधाएं हमारे गरीब भाइयों को मिलती है वो मिलती रहे और बढ़ करके मिले और हमारे बराबर सभी का बराबर का दर्जा हो, मान सम्मान हो, वो सपने हमारे महापुरुषों के पूरे हो। हमारे बीच में हमारे प्रतिनिधि प्रधान ग्राम सभा के जो
हमारे इस चुनावी समर में सब कुछ त्याग करके और हमारे साथ तन मन धन से जीत दर्ज कराने का जो काम कर रहे हैं, हमारे प्रधान मगहुमा ग्राम सभा, प्रधान पिचलिया दहरामऊ और प्रधान बस्तिया ग्राम सभा, प्रधान मोहम्मदपुर गढ़ी, प्रधान गोमीखेड़ा, प्रधान बहरौली ग्राम सभा, प्रधान आदमपुर नौबस्ता, प्रधान उदतपुर ग्राम दौदापुर ग्राम सभा, प्रधान चांदसराय, प्रधान कबीरपुर, प्रधान कासिमपुर, प्रधान बाजूपुर, प्रधान धलौली, सभासद दिनेश वर्मा, सभासद हरिचंद रावत, सभासद मोहित जयसवाल, प्रधान धौरहरा गया प्रसाद रावत जी, युवा मंच और ये प्रधानगढ़ मन में ऐसी भावना लेकर के उन सबकी मदद करने का मन में दिल में ठाना है। जो गरीब भाइयों को सुविधाएं मिल रही हैं वो मिलती रहे, इसलिए आपके कमल के फूल को इस विधानसभा में जीत दर्ज कराने का और सरकार बनाने में सहयोग करने का काम किया है। ये बहुत बड़ा काम है। जो गरीब भाई की चिंता करते हैं वो बहुत ही बहुत महान लोग हैं, जो स्वयं को छोड़ करके जो भी गरीब भाई हैं उनका सबका सहयोग करें और बराबर के साथी और मित्रवत हमारे साथ रहें और अमन चैन से प्रदेश में कायम रहे, गुंडेगर्दी खत्म हो, इसलिए सरकार बनाने का काम करें और विधानसभा से विधायक बनेंगे। हम आपके देश का विधायक रहेंगे, ये आप तय कर लीजिए। जिस समय आप हमें याद करेंगे हम आपके बीच में 24 घंटे उपलब्ध रहने का काम करेंगे और आप सबका पुनः हृदय से वंदन अभिनंदन करते हैं। और एक नारा जोर से लग जाए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, अपना दल भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, अपना दल भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद जय भारत, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आपने अपने विधानसभा क्षेत्र मोहनलालगंज के प्रत्याशी बड़े भाई श्री अमरेश रावत जी को सुना। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सेवनी कमेरो सुसतो वंचितों की बुलंद आवाज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मंच पर आमंत्रित करो। उससे पहले कुछ कार्यकर्ता साथी जो दल में 200 साल से लगे हुए में, आज जिनके कारण हम सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हमारे भाई श्री अमरेश कुमार रावत जी मंच पर उपस्थित, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण लोधी जी, अपना दल के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र पटेल जी, श्री गोकर्ण वर्मा जी पूर्व जिलाध्यक्ष, श्री कुलदीप वर्मा जी विधानसभा अध्यक्ष, जितेंद्र वर्मा जी और हमारे दल के बहुत ही पुराने साथी राम कुमार पटेल जी, श्री नंद किशोर पटेल जी, श्री वीरेंद्र सिंह जी, श्रीमती शिल्पी द्विवेदी, श्रवण कुमार वर्मा जी, विनय वर्मा, डिंपल जी जो हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं गोसाईगंज के, संजीव पटेल जी,
श्री विजेंद्र वर्मा, पटेल सेवा समिति के अध्यक्ष सत्य कुमार पटेल जी, विधानसभा प्रभारी श्री आरबी सिंह, श्री बलिराम वर्मा, श्री अभिनेश वर्मा हमारे विधि मंच के अध्यक्ष, गोसाईगंज के चेयरमैन श्री निखिल मिश्रा, श्री आदित्य मिश्रा, श्री सुरेंद्र वर्मा, विधानसभा संयोजक श्री प्रणवीर सिंह, मोहनलालगंज के ब्लॉक प्रमुख ओम प्रकाश शुक्ला जी, श्री वीरेंद्र रावत जी क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य अभिषेक रावत जी, अमित पटेल जी और मैं मानती हूं कि इस सूची में कई नाम शेष भी रह गए होंगे हमारे भारतीय जनता पार्टी के और अपना दल के बहुत सारे साथी यहां पर मौजूद हैं, बहुत सारे पुराने साथी जिन्होंने पार्टी की रीढ़ बन के, संगठन की रीढ़ बन के अपने जीवन के बहुत सारे साल दिए हैं पार्टियों को। ये मैं दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के लिए और पदाधिकारियों के लिए कह रही हूँ कि आप संगठन को इतनी दूर तक लेकर आए हैं, तो हो सकता है कि सूची में ऐसे बहुत से नाम शेष रह गए हो। मेरे सभी ऐसे भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के कर्मठ और निष्ठावान पदाधिकारी भाइयों, बहनों, कार्यकर्ता साथियों, और आज हमारे अमरेश रावत जी के समर्थन में यहाँ पर आए हुए क्षेत्र के सभी सम्माननीय बुजुर्गों, हमारी माताओं बहनों, नौजवान साथियों और हमारे पत्रकार भाइयों, सुरक्षाकर्मी भाइयों, भाई अमरेश जी आज इस चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी हैं और अभी मैं इनसे पूछ रही थी कि आप भारतीय जनता पार्टी में कब से हैं, तो इन्होंने मुझे बताया कि 1997 में इन्होंने पार्टी की सदस्यता ली थी। इतने वर्षों तक निरंतर एक जुझारू कार्यकर्ता के रूप में संगठन के लिए इन्होंने काम किया और पार्टी ने इनकी निष्ठा, इनके परिश्रम, इनके समर्पण भाव को देखकर इनका चयन भी किया। यह हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि पार्टी संगठन ने एक पुराने कार्यकर्ता को और एक कर्मठ कार्यकर्ता को इस क्षेत्र से आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा में पहुंचे, इस हेतु ये निर्णय लिया है। तो अहमदनगर मोहम्मदाबाद आप ले जाओ, ठीक। इनका सामाजिक कार्य भी वाली 19 ले, मैं देख रही हूँ कि काफी लंबा चौड़ा है, काफी विस्तृत है। पारक महासंघ ने भी जो इन्होंने समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य किए हैं उसके लिए इन्हें सम्मानित किया। और सबसे अच्छी बात है कि निर्धन परिवारों की कन्याओं के विवाह में आप निरंतर सहयोग करते रहते हैं। इससे बड़ा पुण्य का कार्य तो कोई हो ही नहीं सकता। गरीब परिवार की बेटियों के लिए आप एक अभिभावक के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। इसी से हम इसके इनके समाज के प्रति समर्पण भाव को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसके हृदय में समाज के दबे कुचले गरीब वर्ग के लिए पीड़ा हो, संवेदनशीलता हो। निश्चित रूप से ऐसा ही व्यक्ति राज्य के या देश के सदन में पहुंचकर
समाज की भलाई के लिए, समाज के कल्याण के लिए, गरीब के कल्याण के लिए लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचकर अपना योगदान दे सकता है। ऐसे ही लोगों से हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब वो उच्च पदों पर आसीन होंगे तो क्षेत्र का विकास भी होगा और समाज का भला भी होगा, और खासतौर से जो गरीब वंचित तबका है उसका कल्याण होगा। अपने इस क्षेत्र में वृद्ध जनों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए भी आप अनेक किस्म के इनिशिएटिव लेते रहते हैं, उनका सहयोग करते रहते हैं। और भारतीय पासी विकास संस्थान में भी आपने निरंतर कई वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं। 2005 से 2010 तक प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो इनकी सामाजिक राजनीतिक सक्रियता को लेकर तो किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं। बहुत ही समाज के बीच में निरंतर बने रहने वाले, आम जनमानस से लगाव रखने वाले, आम जनमानस से जुड़ाव रखने वाले ऐसे एक व्यक्ति को पार्टी ने चुनकर भेजा है आपके बीच में कि आप सब आने वाली 23 तारीख को इनके नाम के सामने अपने विश्वास की मोहर लगाएं, इसलिए इनको भेजा हुआ है। हम सभी अपना दल के साथी भी इनको यहां से विजयश्री का सहरा बांध के भेजने के लिए उतने ही तत्पर हैं जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में इतनी ऊर्जा है और भारतीय जनता पार्टी अपना दल की इतनी बड़ी संयुक्त ताकत है कि हम निश्चित रूप से हमारे भाई अमरेश रावत जी के पक्ष में ईवीएम का बटन दबाकर इनको भारी अंतर से विजयी बनाकर भेज सकते हैं। तो आज मैं आपके बीच आई हूं तो मेरे आने का इतना ही मकसद है, मेरे अपना दल के कार्यकर्ता तो लगे ही हुए हैं, लेकिन अपना दल के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो अपना दल के समर्थक हैं, समाज के लोग, जो अपना दल के वोटर हैं, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के विचारों के वाहक हैं, उनके सिपाही हैं, मैं सबसे ही आग्रह करने आई हूं कि एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए आप सभी को हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी जो समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, उनका भी जो वोटर है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है और आने वाली 23 तारीख को किसी प्रकार की कोई चूक न होने पाए, ईवीएम मशीन पर इनके पहला खाना है, यानी ज्यादा नजर दौड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ईवीएम मशीन पर पहला खाना है, उसके सामने कमल का फूल, कमल के फूल के निशान वाला बटन ज्यादा से ज्यादा दबाकर इनको विजयी बनाकर भेजना है। जय श्री राम। मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहती हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में हमारी एनडीए की सरकार ने जिस तेज गति से विकास कार्य किए हैं, और निश्चित रूप से आने वाले 5 वर्षों में भी उससे भी ज्यादा तेज गति से प्रदेश का विकास आगे बढ़ेगा। और जब पूरे प्रदेश के अंदर तेज गति से विकास कार्य होंगे तो उस विकास की बारिश की बूंदे आपके इस मोहनलालगंज क्षेत्र में भी पहुंचेंगी।
और उसको लाने का काम करेंगे हमारे भाई अमरेश रावत जी। हमारी सरकार ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले की तस्वीर याद करिए, जब पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल था, पूरे प्रदेश में शांति और अमन चैन के लिए आम आदमी तरसता था, और जब अराजकता है, जब अमन चैन नहीं है, तो विकास की कल्पना दूर दूर तक संभव नहीं थी। एनडीए की सरकार आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी भारत सरकार के साथ समन्वय बनाते हुए प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता दिखाई। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तेज गति के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है, ये सामान्य बात नहीं है। आज का नौजवान क्या चाहता है? अपने हाथों में रोजगार चाहता है, अपने जीवन में खुशहाली चाहता है, लेकिन ये रोजगार कैसे मिलेगा? रोजगार के लिए उद्योग धंधे लगने होंगे, लेकिन उद्योग धंधे कैसे लगेंगे? जब निवेश आएगा, और निवेश कब आएगा? जब प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण होगा। और प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कब संभव होगा? जब प्रदेश में अमन चैन होगा। तो आप इस पूरी साइकिल को देखिए, हमारी सरकार ने प्रदेश में अमन चैन का वातावरण कायम किया। जब प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण कायम हुआ, तो हमने तेजी से पूरे प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तेज गति के साथ हाईवेज का निर्माण हुआ, एक्सप्रेसवेज का निर्माण हुआ, ये सामान्य बात नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसा इतना विशाल प्रदेश, प्रदेश के एक छोर से दूसरे छोर पहुंचने के लिए न जाने आम व्यक्ति को कितनी मशक्कतें करनी पड़ती रही होंगी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के एक छोर में रहने वाला व्यक्ति उसके अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति से अपने आप को कटा हुआ महसूस न करे। प्रदेश के किसी भी एक कोने से दूसरे कोने पहुंचने के लिए एक आम सामान्य व्यक्ति को बहुत सोचना न पड़े, तो उसकी सुविधा के लिए बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज का निर्माण उत्तर प्रदेश की सरकार ने करके दिखाया है। हाईवेज और एक्सप्रेसवेज तो बने ही है, उसके साथ प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण हुआ और डोमेस्टिक एयरपोर्ट का निर्माण हुआ। कई शहरों में मेट्रो की सुविधा भी मिल गई और हाईवे सड़कें, इन सब के साथ साथ आप स्वयं जानते हैं कि बिजली की व्यवस्था में कितनी तेजी से सुधार हुआ। 2017 से पहले का समय भी आम जनता को याद है, जब बिजली के लिए तरसते थे, लेकिन आज पूरे प्रदेश के अंदर कोई ऐसा जिला नहीं है जहां 20 से 22 घंटे बिजली ना मिल रही हो आम आदमी को। उत्तर प्रदेश के अंदर अनेकों सिंचाई परियोजनाओं को भी सरकार ने प्रारंभ किया, जिसमें कई ऐसी परियोजनाएं थी जो बरसों से लटकी हुई थी और कुछ नए भी काम थे। हमारी सरकार ने उन परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाया और हर आम गरीब आदमी के घर में नल के जरिए शुद्ध पीने का जल पहुंचे, इसके भी प्रबंध किए। सड़क, बिजली, पानी, ऐसा तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर खड़ा कर दिया। और जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया, तो आज देश के तमाम बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने, बड़े बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश को निवेश की दृष्टि से एक आकर्षक डेस्टिनेशन मानते हैं। आज बड़े बड़े उद्योग घराने उत्तर प्रदेश में आकर निवेश करने को तैयार हैं और आने वाले 5 सालों में
आप देखेंगे कि बड़े बड़े उद्योग धंधे यहाँ पर बनकर तैयार होंगे और यहाँ के युवाओं को जो पढ़ लिख कर निकलते हैं और उसके बाद अपने परिवार को अपने माता पिता को छोड़कर उन्हें कभी चेन्नई कभी मुंबई कभी बैंगलोर ऐसी जगहों पर जाना पड़ता है रोजी रोटी की खोज में नौकरी के लिए, उन्हें अपने राज्य से पलायन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसी एक दूर दृष्टि के साथ एनडीए की सरकार काम कर रही है। तो एनडीए ने जिस विकास को आगे बढ़ाने का काम किया है उसे और नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए यह अब जरूरी हो गया है कि अगले 5 साल हम एक और मौका एनडीए की सरकार को दें। उत्तर प्रदेश में मैं हर जगह जा रही हूं और मैंने एनडीए गठबंधन के प्रति आम जनमानस का उत्साह देखा है, अपार उत्साह देखा है। पूरे प्रदेश में जनता ने मन बना लिया है कि हमें एक बार फिर एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापस भेजना है। अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं आज यही निवेदन करूंगी कि आपकी इस विधानसभा के अंदर एनडीए गठबंधन की जीत को सुनिश्चित करने के लिए किसी प्रकार की कोई कमी रह नहीं जानी चाहिए। और सारे अपना दल वालों से मैं कहना चाहती हूं कि हमारे भाई अमरेश रावत की जीत में जितना बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का हो उससे ज्यादा बड़ा योगदान अपना दल के कार्यकर्ताओं शुभचिंतकों और समर्थकों का होना चाहिए। हमें इसी भावना के साथ पूरे प्रदेश में काम करना है, तभी हम उन लोगों से जीत पाएंगे जिन्होंने जब भी इस प्रदेश में सरकार बनाई है तो केवल प्रदेश को लूटने का और बर्बाद करने का काम किया है, जिन्होंने प्रदेश के विकास पर विराम लगाने का काम किया है और जिन्होंने इस प्रदेश को अराजकता की भेंट चढ़ा दिया है। अगर ऐसी ताकतों से हमें जीतना है तो अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक और एक 11 बन के काम करना होगा, एक और एक 11 बन के काम करना होगा। और आपस में आपके इतना कंपटीशन होना चाहिए कि अगर भाजपा इतनी मेहनत करती है तो अपना दल इतनी मेहनत करे, अपना दल इतनी मेहनत करता है तो भाजपा वाले इतनी मेहनत करें। और जब हम इस तरीके से एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना के साथ और अपने गठबंधन की मजबूती के लिए अपने आप को एक यूनिट मान के काम करेंगे तो कोई ताकत एनडीए गठबंधन को आपके इस विधानसभा से भारी अंतर से अमरेश रावत जी की जीत सुनिश्चित करने से रोक नहीं पाएगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। तो ज्यादा लंबी बात न कह के मैं पुनः आप सभी से निवेदन करूंगी कि आने वाली 23 तारीख को ईवीएम मशीन पर पहला थाना कमल के फूल के सामने का ज्यादा से ज्यादा बटन दबाकर हमारे भाई अमरेश रावत जी को भारी अंतर से विजयी बनाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो रास्ता खाली रखो। हेलो भैया खड़े हो रास्ता खाली रखो। अपना दल लंबी आपदे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए आज तमाम दिग्गज बड़े नेता आज लखनऊ में मौजूद हैं। एक साथ कोई बात हो तो पूछ लीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है एनडीए गठबंधन की ऐतिहासिक जीत दर्ज करने का और आने वाली 10 मार्च को जब चुनावी परिणाम सामने आएंगे तो हमारे विरोधियों की जमानत जब्त होगी,
और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी भारी अंतर से जीत के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचेंगे। समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा उत्तर प्रदेश की जनता से छिपा नहीं है। कई बार इनके शासन को, इनकी सरकार को और इनके सरकार की अराजकता को और विकास की अनदेखी को उत्तर प्रदेश की जनता अपनी आंखों से देख चुकी है। 5 साल का एनडीए सरकार का विकास लोगों के दिल में घर कर गया है और मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूं कि एक बार फिर 10 मार्च को एनडीए गठबंधन की सत्ता में वापसी होने जा रही है। अगर अमरेश कुमार रावत यहां से विधायक चुने जाते हैं तो क्या उनको मंत्री बनाया जाएगा? चलिए हो गया भाई, बताइए मैम। जमानत जब्त होगी, एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी 10 मार्च को, भरोसा जताती हुई नजर आई हैं। साथ ही गठबंधन प्रत्याशी के लिए वोट की अपील भी की। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी प्रत्याशी अमरेश कुमार के कार्यों का बखान भी किया। अपने इस क्षेत्र में वृद्धजनों के लिए इनिशिएटिव लेते रहते हैं और कई बातें कही, और साथ ही उन्होंने कहा कि जनता अपना समर्थन दे, प्यार दे, 23 तारीख को वोट करे और साथ ही साथ जनता से अपील करी कि अमरेश कुमार के लिए वोट करा जाए। एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और सरकार बनाने के लिए उन्होंने लोगों से अपील भी की। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितना जना लोगों की भीड़ थी और इस भीड़ ने बताया कि कितना समर्थन मिल रहा है अनुप्रिया पटेल और साथ ही गठबंधन प्रत्याशी अमरेश कुमार को। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।